और अब अगली रिपोर्ट, 24 की लड़ाई ननद बनाम भौजाई। जी हां, महाराष्ट्र की एक लोकसभा सीट पर मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। यहां ननद के सामने भौजाई है, एक एनडीए से उम्मीदवार तो दूसरी विपक्षी गठबंधन की, और ननद बनाम भौजाई की यह लड़ाई है महाराष्ट्र के पावर सेंटर में रहने वाले पवार परिवार की। ननद वर्सेस भाभी, किसको मिलेगी जीत की चाबी? ये है शरद पवार का परिवार। एक तरफ बेटी सुप्रिया सुले हैं और दूसरी तरफ बहू सुनेत्रा पवार। महाराष्ट्र की इस हाई प्रोफाइल सीट पर पूरे देश की नजर है। शरद पवार के परिवार की पक्की सीट माने जाने वाली बारामती में इस बार जंग जोरदार होने वाली है, क्योंकि मुकाबला ननद वर्सेज भाभी का जो है। शरद पवार की एनसीपी से एक बार फिर सुप्रिया सुले उम्मीदवार हैं, जबकि उनके सामने एनसीपी के असली निशान के साथ महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार हैं। आप आगे बोलो, हम तुम्हारे। सियासी जंग में नई सुनेत्रा बारामती से अपनी सियासी पारी का आगाज करने वाली हैं। सुनेत्रा ने आज नॉमिनेशन कर दिया। सुनेत्रा का नॉमिनेशन करवाने सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले भी पहुंचे। नॉमिनेशन से पहले सुनेत्रा ने पति अजित पवार के साथ पुणे के गणपति मंदिर में पूजा की, पति के साथ आरती की और माथा टेक कर जीत का आशीर्वाद मांगा। भगवान के पास हम आए थे, प्रार्थना की, उनका आशीर्वाद लिया, सबकी सेवा के लिए उनका आशीर्वाद मांगा और जीत के लिए भी आशीर्वाद मांगा। सुनेत्रा ने भीमराव अंबेडकर को भी श्रद्धांजलि दी। दूसरी तरफ आज ही शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने भी दल बल के साथ बारामती से अपना पर्चा दाखिल किया। नामांकन से पहले सुप्रिया ने महाविकास अघाड़ी के बाकी नेताओं के साथ भीमराव अंबेडकर को भी श्रद्धांजलि दी। भाभी से हो रही इस सियासी जंग को सुप्रिया ने विचारधारा की लड़ाई बताया। देश की सेवा के लिए इलेक्शन लड़ती हो और संविधान की चौखट में ही रह के मेरा हमेशा काम रहा है। मैं नहीं देखती, ये विचारों की लड़ाई है। बारामती सीट पर पवार परिवार का सियासी रसूख कैसा है वो समझिए। 1996 से बारामती सीट पर लगातार पवार परिवार का ही कब्जा है। शरद पवार 6 बार, उनकी बेटी सुप्रिया सुले 3 बार और भतीजे अजित पवार यहां से 1 बार सांसद रह चुके हैं। शरद पवार ने 1967 में पहली बार बारामती से विधायक का चुनाव जीता। इसके बाद वो लगातार 5 बार इस विधानसभा सीट से चुनाव जीतते रहे। 1991 से अजित पवार लगातार इस सीट से चुनाव जीत रहे हैं। 2009 के लोकसभा चुनाव में ये सीट सुप्रिया सुले को मिली, तब से लेकर अब तक यहां से सुप्रिया सुले ही सांसद हैं। मोदी लहर में भी सुप्रिया सुले ने 2014 और 2019 में इस सीट पर फतेह हासिल की थी, लेकिन अब की बार मामला पहले जितना आसान नहीं है। सुप्रिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अजित पवार चुनावी बागडोर संभालते रहे हैं। ये पहली बार है जब सुप्रिया को भाई अजित पवार का साथ नहीं मिलेगा। अजित पवार अब एनडीए के साथ हैं। पत्नी चुनाव मैदान में है, कैडर के बीच दादा के नाम से लोकप्रिय अजित पवार के सामने सियासत का असली दादा बनने का ये स्वर्णिम मौका है। लेकिन सुप्रिया के साथ शरद पवार हैं, जिनके दांव पेच की गूंज न सिर्फ बारामती बल्कि महाराष्ट्र समेत पूरे देश में सुनाई देती है। सगळीकडे बारामती मतदारसंघामध्ये मी फिरत असताना उत्साह आणि प्रचंड मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद मिळतोय। खूप लोकांच्या जिथे जाईल तिथे मोठ्या प्रमाणात स्वागत होते, त्यामुळे नक्कीच विजय आपला होईल ह्यात शंकाच नाही। मेरा काम देख के, मेरा मेरिट देख के बारामती की मायबाप जनता जरूर मेरे साथ खड़ी रहेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। अब फैसला बारामती की जनता को करना है। वो बताएगी कि आखिर कौन है बारामती का असली बॉस। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।